दीक्षा भानुप्रिय। कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल आगामी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को उन्हें मिली सजा पर रोक लगाने संबंधी याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। दूसरे चरण के मतदान के लिए नामांकन दाखिल करने के लिए आखिरी तारीख 4 अप्रैल की है। ऐसे में इस बार हार्दिक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इससे पहले भी मेहसाणा दंगा मामले में हार्दिक को उच्च न्यायालय ने 2 साल की सजा पर रोक लगाने से मना कर दिया था। 2 साल की सजा मिलने से दोष सिद्धि पर रोक लगने तक चुनाव नहीं लड़ सकता है। हार्दिक के पास लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यायालय का फैसला ही आखिर सहारा था, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता है। हार्दिक ने चुनाव के लिए पिछले काफी समय से तैयारियां भी की थी। गुरुवार को अदालत ने उनकी याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। पिछले साल 2018 में हार्दिक को मेहसाणा जिले के वीसनगर में सत्र अदालत ने 2 साल की सजा सुनाई थी। निचली अदालत के फैसले के खिलाफ हार्दिक पटेल ने उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की थी कि उन्हें चुनाव लड़ने के लिए सजा से राहत दी जाए, लेकिन न्यायालय ने उनकी सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।